सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी लोग। और गाइस स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आप सभी के लिए एक और नया एपिसोड गाइस आर्क सर्वाइवल इवोल का, आर्क डू ऑर डाई का। और आज का आर्क डू ऑर डाई का जो एपिसोड है वो शुरू करने से पहले जो नए बंदे होंगे चैनल पे फटाफट से गाइस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और गाइस अभी आज के इस एपिसोड में हम मारे इस ओपी से ग्रिफिन का अगला इवोल्यूशन निकलने वाला है। क्या लग रहा है गाइस, हमारा पनौती ग्लिची इतने बार इसको मैंने इवोल्व करा फिर भी इसका ग्लिच नहीं हटा। सो ये वाला जो ग्रिफिन है क्या ये आज के इस वाले एपिसोड में भाई ठीक हो पाएगा, इसका ग्लिच हट पाएगा, चलो अभी पता चल जाएगा। लेकिन इसका इवोल्यूशन शुरू करने से पहले अगर आपने पैल वर्ल्ड की सीरीज नहीं देखे देख लो, वीडियो सेक्शन में पैल वर्ल्ड की भर भर की वीडियो मिल जाएगी। ओपी गेम है भाई, एक नंबर ओपी गेम है। बाकी अगर चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो लाइक शेयर डिसलाइक के साइड में थैंक्स का बटन है वहां से कर सकते हो। तो पिछले एपिसोड में हम लोग ने गाइस यहाँ पे ग्रिफिन का इवोल्यूशन करने के लिए जितनी भी सारी चीजें चाहिए थी वो ए टू जेड सारी की सारी चीजें यहाँ पे इकट्ठा कर ली थी। आप देख सकते हो हमारे पास ए टू जेड सारी चीज़ें आ चुकी है। हमने किबल बना लिए, हम लोग ने मिथिकल हार्ट एक का डबल कर लिया है, जो हमारे ग्रिफिन को इवॉल्व करने के लिए मिथ्स चाहिए थे वो मिथ्स भी कलेक्ट करके एक का डबल करने के लिए डाल दिया है। सो ग्रिफिन का जो इवोल्यूशन है वो बनाने का पूरी तैयारी जो है गाइस वो हम लोग ने कर ली है। बस अभी यहाँ पे हमको ग्रिफिन का जो इवोल्यूशन है गाइस वो क्राफ्ट करना है एंड उसके बाद ग्रिफिन का इवोल्यूशन जो है गाइस वो यहाँ पे कर देना है। तो मैं यहाँ पे अभी ग्रिफिन का इवोल्यूशन जो है गाइस वो क्राफ्ट करने वाला हूँ बिना किसी देरी के। ठीक है, ये बन गया ग्रिफिन का इवोल्यूशन। डंडना डंडन, ये अपने पास ग्रिफिन आ गया। प्लीज ग्रिफिन भाई इस बार ग्लिच ना हुई हो। ठीक है, इस बार मैं कुछ अलग तकनीक ट्राई करने वाला हूँ। ठीक है, देखना बस देखना तुम्हारे भाई का इस बार का प्लान। देखो इसके अंदर पहले डालूंगा मैं इवोल्यूशन। ठीक है, गया इसके अंदर इवोल्यूशन। आखिरी बार देख लो भाई हमारे ग्लिची ग्लिची ग्रिफिन को, मैं अभी इसको इवोल्व करने वाला हूँ। और लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो इवोल्व करने से पहले। रेडी हो गाइज, 1 2 3 1 2 3। ओके हो गया, मैं बोला भाई इवॉल्व ही हो रहा है क्या, हो गया गाइस मिथिकल ग्रिफिन। वो ड्यूड जबरदस्त लग रहा है, जबरदस्त लग रहा है, लेकिन जबरदस्त लग रहा है। इसको मारो गोली, बाइक के अंदर पहले ट्रैकर जाएगा, ट्रैकर गया ग्लिच ना हो। 34 मिलियन हेल्थ है भाई, इसको करूंगा अभी मैं क्रायो, क्रायो करके अभी इसको वापस बाहर निकालूंगा। 34 मिलियन हट यार, ये ग्लिच से नहीं हट रहा है भाई ग्रिफिन। 7 मिलियन होगी 34 मिलियन से हेल्थ इसकी भाई, ये ग्लिची रहेगा भाई, ये ग्लिची था ग्लिची और ग्लिची रहने वाला है भाई। आज तू ही ग्रिफिन भाई क्या कर रहा है, 100 मिलियन हेल्थ हो रही है, 70 80 75 मिलियन हेल्थ करते है गाइस। रुको नहीं डैमेज का सीन हो जाएगा इसका थोड़ा, एक मिनट रुक जाए इसका, ये गोलियम की तरह तो नहीं हो रहा है ना अभी। रुको रुको रुको, इसकी हेल्थ तो डाउन हुई बट उतनी ज़्यादा डाउन नहीं हुई हेल्थ। 7 मिलियन 100 मिलियन तो होने वाली हेल्थ इसकी। रुको जरा एक बार चेक करने दो मुझे, स्पीड बहुत है, 4 मिलियन डैमेज जा रहा है। 1 सेकेंड गाइस, गाइस ये वाला जो ग्रिफिन आप देख रहे हो ये ग्रिफिन को मारो गोली, ये वाला ग्रिफिन हमने कभी इवॉल्व करा नहीं। 1 सेकेंड में ट्राई करता हूँ, रुको 1 सेकेंड ट्राई करता हूँ मैं जाता हूँ ऊपर। 1 सेकेंड हम लोग ट्राई करने वाले गाइस, इस ग्रिफिन को मारो गोली। मैं एक ग्रिफिन को रिवाइव कर लेता हूँ अपने, रुको अपने लेजेंड वाले ग्रिफिन को जो ना गाइस हम लोग रिवाइव कर लेते ग्रिफिन, मिथिकल नहीं लेजेंड वाला 1828 वाला, ये वाला, इस वाले ग्रिफिन को मैं रिवाइव कर लेता हूँ, वापस से पोल्यूशन निकालता हूँ। यार इसका ग्लिच हटना चाहिए बस, एक बार ग्लिच हट जाए तो भाई सब कुछ ठीक हो जाएगा। ग्रिफिन ये आ गया, ग्रिफिन का इवोल्यूशन डन, ये इवोल्यूशन इसके अंदर डाल के इसको वापस भाई इवोल्व करके देखते हैं कि इस बार भाई ग्लिच होता है कि नहीं। ये आ गया कंट्रोल प्लस एक्स, ये हो गया इवोल्व। इसके मिनियन जाने का वेट करते रहो, जो इसके मिनियन घूम रहे हैं ना ऊपर इनको जाने दो, उसके बाद इसको मैं क्रायो कर लूँगा। ठीक है, इसके लेवल अप शेवल अप बिल्कुल नहीं करेंगे जब तक इसके मिनियन जा रहे हैं, तब तक हम लोग भाई इसका लुक देख लेते हैं। देखो भाई इसका लुक तो ज़बरदस्त है यार, इस बार पता नहीं इसके भाई बॉडी में क्या घूम रहा है बट काफ़ी बढ़िया लुक आ रहा है भाई, पूरा वाइट वाइट है गाइस। लेकिन इसकी बॉडी जो है ना उसके अंदर भाई कुछ तो ग्रीन ग्रीन कलर का लिक्विड फ्लूइड जो है गाइस वो फ्लो कर रहा है, जो इसको और भी ज़्यादा खतरनाक वाला लुक दे रहा है भाई। इसके आँखें शाखें देखो भाई, आँखें वगैरह देखो, मुंह वगैरह देखो, काफ़ी खतरनाक लग रही है भाई, ज़बरदस्त। इसके मिनियन जाने दो गाइस, इसके मिनियन जाने दो, एक बार इसके मिनियन चले गए ना तो इसको मैं क्रायो कर लूँगा। ठीक है, मुझे लग रहा है इसके मिनियन भाई पनौती हो सकते हैं, थोड़े से मिनियन पनौती हो सकते हैं। ठीक है, मिनियन को जाने दो,
मिनियन मेरे को लग रहा है तुम पनौती हो। अबे जाओ ना भाई, एक मिनट हुआ नहीं के यार, मिनियंस चले जाओ जल्दी से यार यहाँ से। अबे एक मिनट ना हुआ है क्या? चले गए भाई, ठीक है ट्रैकर डाल दिया मैंने इसके अंदर, अब इसको मैं क्राइव कर लेता हूँ। 32 मिलियन मिलती, 5 मिलियन उसके तो 7 मिलियन थे एटलीस्ट, उसके जो 5 मिलियन है भाई, उसके 5 मिलियन मिलते हैं, उसकी तो एटलीस्ट 7 मिलियन थी। इसका डैमेज वगैरह ज़्यादा होगा। रुको गाइस, वो कहाँ पे फेंका था मैंने? सॉरी ग्रिफिन, गलती से फेंक दिया मैंने तेरे को, ठीक है इस वाले ग्रिफिन को फेंकते, वो वाले ग्रिफिन को चलाते, उसकी हेल्थ तो एटलीस्ट ज़्यादा थी यार इस वाले ग्रिफिन से। हाँ तो आ जा भाई वापस से, ठीक है। सो हमारे ग्रिफिन जो है गाइस वो ग्लिच से इस जन्म में तो हटने नहीं वाले, हमको इनका ग्लिच जो है गाइस हटने के लिए अगले जन्म का वेट करना पड़ेगा। चलो अभी इसको मैक्स लेवल करता हूँ, ग्लिच से तो हटने नहीं वाला इतना मेरे को पता चल चुका है भाई, लेकिन स्पीड बहुत है भाई इसकी शायद से। डैमेज जा रहा है यार, डैमेज जा रहा है, डैमेज ऐसा नहीं कि भाई एकदम नल्ला जा रहा है, ऊपर से 300% इम्प्रिंट भी करना है, और मुझे पब्लिक बोल रही 400% वाला इम्प्रिंटिंग पोशन बनाओ। गाइस उसके लिए 150 लेवल होना जरूरी है, हमारे पास 107 ही लेवल है। सो अगर हम किसी बॉस वगैरह को मारते और हमको बॉस को मार के वो पोशन मिल जाता है तो अलग बात है, बट ऐसे हम लोग उस पोशन को क्राफ्ट नहीं कर पाएंगे, हमारे बस की बात नहीं है उस पोशन को क्राफ्ट करना, ठीक है। जितने भी पॉइंट आएंगे अभी वो सारे के सारे इसके मिली डैमेज में डालूंगा, और 300 इम्प्रिंटिंग पोशन जो है ना गाइस वही हम लोग 300% इम्प्रिंटिंग पोशन वही हम लोग हमारे ग्रिफिन को खिलाएंगे। बेसिक डैमेज 6 मिलियन क्या? बेसिक डैमेज कितना जा रहा है इसका? बेसिक मतलब बिना डाई बॉम्ब के 6 मिलियन का, और डाई बॉम्ब वाला डैमेज कितना जा रहा है? और डाई बॉम्ब वाला डैमेज दिखाने के 10 मिलियन का, ठीक है ठीक है। चलो इसको मैक्स लेवल कर लेते हैं फिर देखते हैं क्या सीन है, ठीक है। इसका ग्लिच तो हटा नहीं है यार, अफसोस ग्लिच तो हटा नहीं है, 11 मिलियन का जा रहा है। इसका पावर अप मोड भी होता है ना, रेज मोड होता है गाइस, पावर अप मोड नहीं होगा हमारे ग्रिफिन का, रेज मोड होगा। तो इसके पास कौन कौन से अटैक है गाइस वो दिखा दूं मैं आपको पहले। लुक तो आपने देख लिया इसका, जिसके पास बाइट वाला अटैक है, डायनो को उठाने वाला अटैक है, एक्स पे जेड पे कंट्रोल पे, और मिनियन बुलाते हैं कंट्रोल पे, क्यू पे कुछ नहीं कर रहा, आर पे बफ हो जाते हैं, आर पे बफ भी नहीं, हाँ आर पे बफ हो चुका है, आर पे बफ हो चुका है, इससे इसका डैमेज जो है जो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। अपने मिनियन की हेल्थ जो है ना गाइस वो हेल्थ है भाई 5 से 7 मिलियन के बीच में, अच्छी बात है। चलो एक और लेवल, उसके बाद अपना ग्रिफिन मैक्स लेवल हो जाएगा। डैमेज का थोड़ा सीन लग रहा है मुझे, मैक्स लेवल हो जाएगा, 14 मिलियन का डैमेज जा रहा है यार, 14 मिलियन जा रहा है और मैक्स लेवल भी हो चुका है ग्रिफिन। रुको फटाफट से इसको 300% इम्प्रिंटिंग पोशन जो है गाइस वो खिला देता हूँ। ये देखो ये हो गया मैक्स लेवल का, ट्रैकर पहले डाल रखा मैंने इसके अंदर, अब इसको 300% इम्प्रिंटिंग पोशन खिलाएंगे, ये हो गया 120 मिलियन भाई। इस बार कुछ भी बोलो ये वाले ग्रिफिन की हेल्थ जो है ना गाइस वो काफी बढ़िया हो चुकी है, 120 मिलियन हेल्थ हो चुकी है, जो जितने भी ग्रिफिन हमारे प्रीवियस वाले हैं उसमें सबसे ज्यादा हाई है। डैमेज की बात करें तो देखते चलो, डैमेज का भी देखते क्या सीन है। अपने ग्रिफिन का डैमेज कितना जा रहा है? डाई बॉम्ब का 27 मिलियन, यार डैमेज काफी कम है भाई, दूसरों का डैमेज 200-300 मिलियन जाता है, हमारे ग्रिफिन का 27 मिलियन विदाउट डाई बॉम्ब 11 मिलियन का इस विदाउट डाई बॉम्ब का बेसिक वाला अटैक है गाइस, अपने इस ग्रिफिन का बेसिक वाला अटैक है, एंड डाई बॉम्ब अगर हम मारेंगे तो उसका अटैक भाई 27 मिलियन तक जा रहा है पावर अप के साथ। ये हो गया मैं पावर अप पे डैमेज 35 मिलियन का मैक्स टू मैक्स डैमेज जा रहा है, इससे ज्यादा हाई डैमेज की उम्मीद जो है गाइस वो हमारे इस ग्रिफिन से करना नहीं है। 35 मिलियन का मैक्स डैमेज यार, भाई पता नहीं गाइस कब इस ग्रिफिन का ग्लिच हटेगा, एक बार इसका ग्लिच हट जाए ना उसके बाद ये ग्रिफिन ना तबाही मचा डालेगा, पता नहीं कब हटेगा भाई इसका ग्लिच। 35 मिलियन का भाई तगड़ा वाला डैमेज गाइस यहाँ पे दे रहा है अपना ग्रिफिन, काफी बढ़िया, और 120 मिलियन एटलीस्ट इसकी हेल्थ हो चुकी है, मैं इसी बात से काफी ज्यादा खुश हूँ क्योंकि 120 मिलियन भी जो ना गाइस काफी ज्यादा हाई हेल्थ होती है, तो मैं इसी बात से काफी खुश हूँ कि इसकी 120 मिलियन तो एटलीस्ट हेल्थ हो गई है यहाँ पे। चलो अभी अपने ग्रिफिन से ना थोड़े से डायनोस की पुंकी बजा डालते हैं यहाँ पे, मजा आता है भाई डायनोस को मारने में यार अपने ग्रिफिन से, पहले पट से ऊपर से गाइस इसको इवॉल्व भी कर दे, इसको मारो इस, ओह शिट भाग के जा रहे हैं नजदीक, पागल बिगल हो गया क्या, फियर वाले डायनो को मारेगा अभी तू, इतना भी बड़ा नहीं हुआ भाई तू, हाँ फियर वालों को मारे
रेज मोड पे जाओ तो मार सकता हूँ। ओह शिट, सॉरी सॉरी, सुसाइड कर रहा हूँ। सॉरी भाई, सॉरी भाई, सॉरी भाई, पियर वाले वाइब्रेट ने हवा में गाइस पियर देके मेरे को स्टड कर दिया, मुझे और मेरे भाई ग्रिफिन को, दोनों को। चलो कोई ना, हाँ अपने ग्रिफिन के अंदर ट्रैकर पड़ा हुआ है, सो उसको मैं वापस से बेस पे बुला लूँगा, वो तो बच जाएगा यार, उसके मरने के चांसेस काफ़ी कम है, लेकिन मैं मर गया भाई। यार वो फेयर वाले वाइब्रेंट को जो है ना गाइस मारना थोड़ा डिफिकल्टी होगा यार, अगर ग्लिच हट जाता ना तो अलग बात थी, बट ग्लिच ही हट नहीं रहा अपना। चलो मैं भाई बुला रहा हूँ भाई ग्रिफिन को वापस, आ जा ग्रिफिन भाई, आ जा चुपचाप से, चल लेट्स गो। इसको इफेक्ट तो भाई 17-18 पड़ गए भाई, ठीक है। वैसे इसका लुक जो है ना गाइस जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा मुझे, खास करके ये आगे वाला लुक तो मुझे सिमिलर ही लग रहा है। पीछे साइड देखना भाई, पीछे साइड जो कलर्स भाई चेंज हो रहे हैं ना, ये देखो जो कलर्स चेंज हो रहे हैं ना गाइस, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं यहाँ पर भाई। इस ग्रिफिन से तो आज तबाही मचाएंगे, चलो फुल सबको जो दिखेगा उसको मारेंगे, फियर वाले डायनो को छोड़ के, ठीक है, फियर वाले डायनो को छोड़ के और वो न्यूको बिको और 200-300 मिलियन हेल्थ वालों को छोड़ के जो भी दिखेगा उन सबकी पेटी बनेगी आज, सबकी पेटी बनाएगा तेरा भाई, तेरा भाई जो ना गाइस अपने ग्रिफिन की मदद से सबकी पेटी बनाएगा। हेलो, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है भाई। एक हाथ फियर को भी मार लो, शांति मिल जाएगी मेरे को। कोई फियर है यहाँ पर? फियर वाला कोई डायनो है नहीं, ये कौन है? एलिमेंटल, एलिमेंटल तो बच्चे आपने कहा, ले पट्टी से हेडशॉट। ये कौन है भाई, ये कौन सा वाइब्रेंट है, ये कौन सा वाइब्रेंट? शैडो रेक्स, जाना रे शैडो रेक्स, रेडिएशन अलग से दे दिया भाई इन लोग ने। रुको भाई, सबकी बाढ़ बुझाएगा तेरा भाई। ये लो, इसके दूसरे जो अटैक से उनका इफेक्ट वगैरह पड़ रहा है, बिजली के झटके देके स्टन वगैरह तो कर रहा है गाइस। ये दूसरे वाले जो अपने अटैक्स है ना, उससे बिजली वगैरह के झटके दे रहा है और बेसिक अटैक से 35 बिलियन का डैमेज दे रहा है। चलो गाइस किसी फियर को मार लूंगा। ये कौन है? अरे यार टॉक्सिक विक्सिक दिख रहे हैं भाई। फ्लायर ने मुझे जमीन पे जो ना गाइस पड़ा हुआ कोई फियर डायनो चाहिए, मुझे फियर की बैंड बजानी है। और बाय 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 भाई, ग्रिफिन को चलाने में मजा तो आता है यार, कुछ भी बोले यार, ग्रिफिन है तो बहुत ज्यादा हो गया। हेलो भाई, ग्लीच हुआ इसका मतलब ये नहीं कि तुम आके मार के चले जाओगे। हाँ वाइब्रन वा मॉन्स्टर एम्बर वाइब्रन का बच्चा भाई, ग्लीच हुआ इसका मतलब मार के जाएगा क्या बेटा? कछुआ कौन सा वाला कछुआ है? मर ही नहीं रहा, तो कौन से कंपनी का कछुआ है? मर गया, मर गया, मर गया भाई। ब्लडी ब्लडी फेंक दे दिया पूरा का पूरा, लेकिन मार दिया मैंने उसको। चलो मार दिया, उसकी बैंड बजा दी भाई, और बहुत सारे डायनोस को मारूंगा मैं आज ग्रिफिन से जो ना गाइस सबकी बैंड बजाएंगे मस्त वाली। चलो पहले भाई का स्टैमिना जो है गाइस वो रिकवर करने दो मुझे। हेलो, चलना शैडो करप्टेड वाइब्रेंट, कुछ ज्यादा ही लाड़ में आते हैं भाई ये वाइब्रेंट। ये कौन आ रहा है लाड़ में अभी? इतनी सारे ये बेटा, तू भी मर गया। रुको मैं अपने ग्रिफिन को ना क्रायो कर लेता हूँ एक बार, क्या है ना बेचारे को भाई बहुत ज्यादा बफ पड़े हुए हैं, इतने बफ जाने में चार्ज कर। मिथिकल ट्रूडॉन, मां मिथिकल वाला चुटकू ट्रूडॉन होके मार के चला गया मेरे को भाई साहब। भाई घास में छुपा हुआ था, वहां पे दिखा भी नहीं, आगे मस्तवी के मार के चला गया। कब आया कब हमारा कुछ पता ही नहीं चला, मुझे बिजली का झटका पड़ा उसके बाद सीधा पेटी बन गई मेरी। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ये कर लो पहले भाई ट्रूडॉन। चलो फटाफट से भाई अपना सामान ले लो, आ जाओ भाई। अरे यार मिथिकल ये रहा अपना ग्रिफिन, मिथिकल के बाद कौन सा गाइस टायर आता है जरा एक बार देखने दो मुझे। आई थिंक जब मॉन्स्टर आ जाता है मिथिकल के बाद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। हाँ भाई मिथिकल के बाद भाई मॉन्स्टर आ जाता है गाइस यहाँ पे, और मॉन्स्टर वाले डायनोज के लिए हम लोग को चाहिए होता मॉन्स्टर्स, उनकी मॉन्स्टर जो है ना गाइस वो बाहर निकाल के हमको कैप्चर करनी है भाई। ठीक है सही है, चलो इसको भाई मॉन्स्टर में भी वॉल करेंगे बहुत ज़्यादा जल्दी, बट उसमें टाइम लग जाएगा। चलो आ जाओ गाइस ग्रिफिन से और भाई मजे करते हैं यहाँ पे गाइस। इस ग्रिफिन को ना हम लोग नाम देंगे नल्ला मिथिकल ग्रिफिन भाई, नल्ला तो है भाई, है नल्ला मिथिकल ग्रिफिन, नल्ला मिथिकल ग्रिफिन नल्ला तो है। भले इसके 120 मिलियन गाइस यहाँ पे हेल्थ हो, प्रीवियस वर्जन से थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है, डैमेज वगैरह जो है प्रीवियस वर्जन से काफ़ी ज़्यादा बेटर दे रहा है। बट अगर मैं आपको कल देखना, कल वाले एपिसोड में आपको मिथिकल वाले डायनोस दिखाऊंगा, ठीक है, उन मिथिकल डायनोस से इसको ग्रिफिन को कंपेयर कर लेना, आप बोलोगे भाई सुपर नल्ला ही है, क्योंकि उनका 200-300 मिलियन तक डैमेज जाएगा। और इसका कितना जा रहा है भाई? इसका जा रहा है मात्र है लो 27, 28, 30 मिलियन, 35 मिलियन तक डैमेज जा रहा है, ज़्यादा नहीं जा रहा।
ये वाला भाई एक वाइब्रेंट मेरे पीछे पड़ा हुआ है, इस वाइब्रेंट में बैंड बजाने दो अपने ग्रिफिन को भाई। बरेल नल्ला, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी आके मार के चला जाए मेरे ग्रिफिन को, ठीक है। चलो लेट्स गो। सो बताइए गाइस आपको हमारा ये नल्ला सा, गाइस नल्ला बोलना थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है यार, ये अपना जो मिथिकल वाला ग्रिफिन है गाइस वो यहाँ पे कैसे लगा, ठीक है। इसका ग्लिच जो है गाइस वो हटा नहीं, हमने इसको दोबारा इवॉल्व करा, बट इसका ग्लिच जो है गाइस कुछ हटा नहीं यहाँ पे। उम्मीद कर रहा हूँ आगे फ्यूचर में इसका ग्लिच जो है गाइस वो हट जाए। बाकी आपको हमारा जो मिथिकल वाला ग्रिफिन है वो यहाँ पे कैसे लगा जरूर से नीचे कमेंट करके बताना, अगर अच्छा लगा होगा हमारा ये मिथिकल वाला ग्रिफिन तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। बाकी आज का ये वाला एपिसोड आर्क डुओडाई का हो जाता है यही पे खत्म, समाप्त, टाटा बाय बाय, गुड बाय। और गाइस हमारी पैल वर्ल्ड की सीरीज जरूर से देख लेना, वीडियो सेक्शन में है। और अगर आपको चैनल को सपोर्ट करना है तो लाइक शेयर और डिसलाइक के साइड में एक थैंक्स का बटन है, वहां पर क्लिक करके आप लोग चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। सो मिलते हैं आपसे डुओडाई के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, गाइस सी यू लेटर, टाटा बाय बाय, गुड बाय मेरे भाई लोग, मिलते सीधा अगले एपिसोड में, बाय बाय गाइस। All day and all night we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay.